आईजी तरुण गाबा पहुंचे हरदोई। हरदोई पहुंचकर आईजी ने साइबर सेल का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 57 जिलों को निर्देश दिए थे। निरीक्षण के दौरान आईजी संघ एसपी केशव चंद गोस्वामी भी रहे मौजूद। हरदोई के पाली में हुए अपहरण के बारे में ली जानकारी। दो दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कौशाम्बी पहुंची। कौशाम्बी में राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल माँ शीतला गेस्ट हाउस सायरा भी पहुंची। गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्डों के साथ मारपीट की गई। मारपीट में गार्ड को चोट आई है। बता दें कि युवकों से मामूली कहा सुनी के बाद जमकर हाथापाई हुई। वहीं जमकर चले लात घूसों का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट का ये मामला थाना कबीनगर क्षेत्र की निजी सोसाइटी का बताया जा रहा है। लखनऊ के थाना पीजीआई क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि लखनऊ के वृंदावन पुलिस चौकी चौराहा के पास डीसीपी दक्षिणी सुशांत सिंह का एक्सीडेंट हुआ है। सड़क हादसे में डीसीपी बाल बाल बचे। डीसीपी को न्यू ट्रॉमा सेंटर पीजीआई इलाज के लिए भेजा गया है। मुजफ्फरनगर में एक और आरोपी को मिली उसकी गुनाहों की सजा। डीजीपी विजय कुमार के ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत सफलता मिली। नाबालिग से रेप के आरोपी अमर को पॉक्सो न्यायालय ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। 41,000 रुपए का आर्थिक दंड भी दिया। यूपी में वन्य जीव सुरक्षित नहीं है। वन मंत्री के गृह जनपद में दो लंगूर को बंधक बनाया गया। बंदरों से निजात पाने के लिए लंगूर बांध कर रखे हैं। लंगूरों को बांध कर होटल प्रबंधन वन विभाग को खुली चुनौती दी जा रही है। उन्नाव में पूर्वा कोतवाली के कदोरवा गांव के पास ही रिक्शा की डंपर से आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में चालक समेत 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर होने पर डॉक्टर ने 9 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। सीओ दीपक सिंह सीएचसी पहुंच घायलों को उपचार करा रहे हैं। बता दें कि परिवार निहाल बाबा के दर्शन करने और मेला घूमने जा रहा था। लखनऊ के उकाबार का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। साफ देखा जा रहा है कि कैसे नाबालिग लड़के और लड़कियां वीडियो में धुआं उड़ा रहे हैं। आगरा के बटेश्वर पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बटेश्वर पहुंचकर सीएम आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। इस दौरान जिले की डीएम कमिश्नर भी रहे मौजूद। सीएम आगरा आकर करेंगे करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। फरुखाबाद के थाना कंपिल क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शराब के नशे में हत्या आरोपी ने दोस्त की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। हत्या कर अपने ही खेत में शव गाड़ दिया था। खेत में शव मिलने के बाद हत्या आरोपी फरार हो गया था। मेरठ में मिमिक्री विवाद पर फूटा जाटों का गुस्सा। बीजेपी के साथ सड़क पर उतरे जाट नेता। जाट बिरादरी के लोगों ने दिया बीजेपी को समर्थन। सड़क पर जलाया राहुल गांधी का पुतला। मेरठ में उपराष्ट्रपति के अपमान पर भड़के लोग। बुलंदशहर में डीएम सीपी सिंह ने ठंड में जरूरतमंदों को बांटे कंबल। अन्य अधिकारियों संग ठंड में किए कंबल वितरण। पूरे जिले में डीएम और तहसील स्तर पर बांटे गए कंबल। एसडीएम द्वारा 8,000 कंबल वितरण किए गए। राहगीरों और जरूरतमंद लोगों के लिए 21 रैन बसेरी भी बनाए गए। एमजी डिग्री कॉलेज में घुसते हुए बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। टाइगर रिजर्व के जंगल से बाहर बाघ घूमता हुआ दिखाई दे। ग्रामीण लगातार बाघ की मौजूदगी के कारण दहशत में है। कलीनगर तहसील क्षेत्र में स्थित एमजी डिग्री कॉलेज का वायरल वीडियो। हरदोई में फर्जी नर्सिंग होम लगातार छीन रहे लोगों की जिंदगी। यू अर्बन हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। प्रसव के दौरान ऑपरेशन से महिला की हालत बिगड़ने से हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया आरोप। हरदोई के शहर कोतवाली का बताया जा रहा है। गाजियाबाद में कोरोना का एक और मामला आया सामने। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 2। गाजियाबाद के विजयनगर का रहने वाला है कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में आज एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट जारी। अमेठी में ट्रोला ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रोला और ट्रोला चालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस के द्वारा भेजा। सीएससी फुर्सतगंज अमेठी के जायस थाना क्षेत्र के जगदीशपुर रोड तिराहा की घटना बताई जा रही। बाराबंकी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दीप प्रज्वलित कर डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने लाभार्थियों से की मुलाकात और कहा सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों की लिस्ट बनेगी। लखनऊ में हुआ भीषण सड़क हादसा। नियंत्रित ट्रक ने 4 दर्जन बाइकों को रौंदा। एयरपोर्ट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइकों को रौंदा। लखनऊ के थाना सरोजनी नगर क्षेत्र की बताई जा रही पूरी घटना। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू का निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का हालचाल लिया और साथ ही हड़ताली कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी। सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ में यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में घना कोहरा रहेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर का अनुमान जताया है। शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ने का भी अनुमान है। बस्ती में पुलिस पर चोर और डकैत भारी पड़ रहे हैं। बदमाश ने डाका डालने का पोस्टर पेड़ पर लगाकर पुलिस को खुली चुनौती दी। बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बुलंदशहर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से गोदाम में भारी नुकसान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के
के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। रायबरेली में बीच चौराहे पर सांडों का आतंक दिखाई दिया। सांड की लड़ाई से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सांडों की लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीरामल फाइनेंस ग्रुप एवं उत्तर प्रदेश पुलिस संयुक्त रूप से जनपद लखीमपुर खीरी में साइबर जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें जिले के प्रत्येक सर्किल के अंतर्गत आने वाले थानों एवं स्कूल चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर जागरूकता और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में जनता को बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष से लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई की। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के सिठौलिया पुख्ता गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। सर्दी के मौसम में ठंड का असर इटावा सफारी पर भी पड़ रहा है। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को सर्दी से बचाव के लिए ऑयल हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ब्लोअर और बाड़ों में पुआल, खिड़कियों पर पर्दे लगाए गए हैं। अचानक से तापमान गिरने से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। सीतापुर के कस्बा तंबोर के छतंगपुर रोड पर वर्षों से दर्जनों प्लाईवुड फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। फैक्ट्रियों के मालिकों एसआईबी टीम की भनक लगते ही हड़कंप मच गया और सभी फैक्ट्रियों के मालिकों ने मजदूर को छुट्टी देकर फैक्ट्रियां बंद कर दी। औरैया में अनंतराम टोल प्लाजा के मैनेजर सत्यवीर यादव के निर्देशन पर स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण शिविर कैंप की हुई शुरुआत। आई विशेषज्ञों की मौजूदगी में फ्री आंखों का किया जा रहा चेकअप। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत इस कैंप की शुरुआत हुई। बदायूं में डॉक्टर ने पथरी का किया गलत ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद महिला का फटा हुआ पेट खुला छोड़ा। महिला की ज्यादा हालत बिगड़ने पर चंदौसी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने 50,000 रुपए की मांग की। बदायूं में सहसवान स्थित सेवा नर्सिंग होम का है मामला। लखीमपुर खीरी में पड़ुआ पुलिस के एक महीने पूर्व हुई चोरी का खुलासा न करने पर नाराज किन्नरों ने ढकेरवा चौराहे पर चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। एक माह पूर्व महंत पप्पे किन्नर की आवाज पर हुई थी 20 लाख की चोरी। बलरामपुर में संयुक्त टीम एसएसबी वन विभाग ने 15 बोटा जंगली सागवन लकड़ी बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। युवक ने रातों रात बैलगाड़ी से हरैया थाना क्षेत्र के सिसनिया गांव में गन्ने के खेत में लकड़ी छुपा दी थी। लखीमपुर खीरी के खंबरखेड़ा चीनी मिल से संचालित सेवड़ी गन्ना सेंटर पर किसानों ने टोल बाबू पर घटतौली का आरोप लगाया है कि सभी ट्रॉली पर 1 से 1.5 क्विंटल गन्ने की घटतौली की जा रही है। मामले की शिकायत धौरहरा एसडीएम से की गई है। सोनभद्र में इंडिया गठबंधन ने लोड़ी स्थित कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम एडीएम सुभाष चंद्र यादव को पत्र सौंपा।